नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है अयोध्या में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों अयोध्या में एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड यूपी गवर्नमेंट ने एक लीज अग्रीमेंट साइन कर लिया है। और अब इसके चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 317.855 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट की जाएगी। दोस्तों अयोध्या जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी होगी, और कहा ऐसा जा रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद में यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर होगा वो काफ़ी तेजी से ग्रो होगा। और इसी के चलते एज अ प्रिपरेशन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। ओवरऑल कहा ऐसा गया है कि जो एयरपोर्ट होगा ये 821 एकड़ के एरिया में फैला होगा। फेज़ वन में 400 एकड़ के एरिया में एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा, और उसमें से 317.855 एकड़ लैंड के लिए जो लीज अग्रीमेंट है वो साइन हो गया है। और जल्दी ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 86 एकड़ ऑफ लैंड यूपी गवर्नमेंट और भी सौंपेगी। और कहा ऐसा गया है कि इसके फेज वन के अंतर्गत एक रनवे और जो दूसरी अमेनिटीज है वो बनकर तैयार होंगी, और जल्दी ही इस पर काम भी स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल अगले 2 सालों के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि द कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कोलकाता में बन रही ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का जो काम है उसको फास्टैग बेसिस पर डाल दिया गया है। सो कोलकाता की जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन है इसकी लेंथ अराउंड 32.04 किलोमीटर की है। इसमें से कुछ पार्ट ऑपरेशनल भी है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है एंड कुछ अभी प्रपोज स्टेजेस में है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसी के अंतर्गत ये अंडर वाटर टनल बनकर तैयार हो रही है, जिसकी लेंथ अराउंड 520 मीटर बताई गई है, और हुगली रिवर के अंडर में इसको बनाया जा रहा है। और कहा ऐसा गया है कि हुगली रिवर में उसकी जो रिवर बेड है उससे 33 मीटर नीचे बनाई जा रही है। 80% काम इस टनल का कंप्लीट हो गया है, और जो बाकी बचा हुआ 20% काम है उसको कंप्लीट करने के लिए अभी 2 साल लगेंगे। दोस्तों ये अंडर वाटर टनल है इसको बनाना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, और अपने आप में ये हमारे देश की फर्स्ट ऑफ इस काइंड टनल भी होगी। तो इसी के चलते 2023 के एंड तक ये बनकर तैयार होगी। बढ़ते हैं 200 के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल बीवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द कोका कोला को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी की तरफ डिसाइड किया गया है कि अब वो इंडिया में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है उनको और भी इन्हांस करेंगे, और इसके चलते तेलंगाना स्टेट में वो उनका एक न्यू प्लांट लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों कोका कोला हमारे देश में हिंदुस्तान कोका कोला बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, जो कि उनकी सब्सिडियरी कंपनी है, उनके साथ मिलकर काम करती है, एंड ऑलरेडी इनके हमारे देश में 10 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं, और तेलंगाना में भी इनके पास में प्लांट है, और अब एक और प्लांट तेलंगाना स्टेट में ये बनाकर तैयार करेंगे, जहां पर कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जूसेस, वाटर, इन सब चीज़ों को प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और कहा ऐसा गया है कि तेलंगाना के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में जो फूड प्रोसेसिंग पार्क है वहां पर ये बनकर तैयार होगा, जहां पर कोका कोला के द्वारा 1000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। फेज़ वन में 600 करोड़ रुपीज़ की, और वहीं फेज़ टू में 400 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी। ये पूरा का पूरा प्लान एक 5 ईयर प्लान है, जिसके अंतर्गत इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 49 एकड़स के एरिया में बनकर तैयार होगा, और तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनको लैंड भी अलॉट कर दी है, जिसके चलते कहा ऐसा गया है कि 2023 तक इनके प्लांट के जो कमर्शियल ऑपरेशन है स्टार्ट हो जाएंगे। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है जापानीज मल्टीनेशनल एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाइकिन को लेकर, जहां पर दोस्तों सिमिलरली कोका कोला की तरह हमारे देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को इन्हांस करते हुए डाइकिन के द्वारा एक और प्लांट हमारे देश में लॉन्च किया जाना है, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखते हुए जो कि आंध्र प्रदेश के सिरसी में बन रही है इन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों डाइकन इनका जो बिजनेस है वो हमारे देश में काफ़ी तेजी से ग्रो होता जा रहा है, एंड ऑलरेडी इनके पास में सिरी सिटी में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, और अब तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी वहीं पर बनकर तैयार हुआ है, जहां पर स्पेसिफिकली एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और कहा ऐसा गया है कि वो इसके लिए 1000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कंपनी को हमारे देश की जो PLI स्कीम है उसके अंतर्गत अप्रूव किया जा चुका है, और एक बार जब इनका ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनकर तैयार हो जाता है तो ये जापानीज कंपनी हमारे देश की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाएगी, जो सबसे बड़े स्केल पर एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इनका भी जो प्लांट है वो सिमिलरली कोका कोला की तरह 2023 के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद बेस्ड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट अडानी ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $200 बिलियन टच कर गया है, और ये काम करने वाला अडानी ग्रुप हमारे देश का थर्ड कॉन्ग्लोमरेट बन गया है। दोस्तों अडानी ग्रुप का जो ग्रोथ है वो पिछले 2-3 सालों से काफ़ी तेज देखने को मिला है, एंड इनकी सभी कंपनीज इस समय बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही हैं, और एज ऑफ नाउ इनकी 7 कंपनीज हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, और कुछ दिन पहले इनकी जितनी भी कंपनीज हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं उनके शेयर्स ऑल टाइम हाई हिट कर गए हैं, जिसके चलते इनकी कंपनीज का और इस ग्रुप का जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो
$200 बिलियन टच कर गया है। और इससे पहले दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप, इन्होंने भी ये मार्क को टच किया है, क्योंकि एज ऑफ नाउ टाटा ग्रुप का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $320 बिलियन, जबकि रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $257 बिलियन पर स्टैंड करता है। और वहीं अडानी का भी $201 बिलियन पर पहुंच गया है। और थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो अडानी पावर लिमिटेड पिछले एक साल के अंदर 157% ग्रो कर गई है, अडानी ग्रीन एनर्जी 67%, अडानी टोटल गैस 50%। ये अडानी ग्रुप की वो कंपनीज हैं जो सबसे तेजी से ग्रो हुई हैं। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन डिफेंस एंड एरोस्पेस जायंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इन्होंने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में एक एमओयू साइन कर लिया है। और अब इसके अंतर्गत ये हमारे देश में जो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं इनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों एज ऑफ नाउ हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनके पास में जो रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी काफ़ी बड़ी शॉर्टेज है। और पिछले 10-15 सालों से हमारी इंडियन एयरफोर्स ये ट्राई कर रही है कि वो दूसरी कंट्रीज से ये जो मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनको प्रक्योर कर ले, जिसको हमारी इंडियन एयरफोर्स रशियन इल्यूशन 78 जो कि काफ़ी पुराने रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं इनसे रिप्लेस करेगी। पर दोस्तों अब ये जो शॉर्टेज है ये एक नेसेसिटी में बदल चुकी है, जिसके चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब हमारे देश में जो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं उनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। और स्पेसिफिकली हमारे देश में जो राफेल जेट्स आए हैं उन्हीं के लिए काम होगा। और कहा ऐसा भी गया है कि हो सकता है हमारे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो न्यू एयरक्राफ्ट को प्रक्योर करने के लिए भी टेंडर फ्लोट कर दे। बढ़ते हैं 200 के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के सी फूड एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हर सेक्टर की तरह इस सेक्टर में भी हमारे जो सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑल टाइम हाई हिट कर गए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो भी खत्म ही हुआ है यहां पर हमारे सी फूड एक्सपोर्ट $7.74 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30% ग्रो कर गए हैं। दोस्तों जो डेटा है ये हमारे मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में वर्क करती है। स्पेसिफिकली मैं अगर आपको बताऊं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो भी खत्म हुआ है वहां पर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा टारगेट सेट किया गया था कि $7.8 बिलियन के जो सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनको हिट किया जाएगा। और दोस्तों ऑलमोस्ट ये टारगेट है कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $7.74 बिलियन पर पहुंच गए हैं, जो कि 99.1% होता है। और इसमें US मेन डेस्टिनेशन रही है, जो पिछले 11 सालों से मेन डेस्टिनेशन ही रह रही है। इसके बाद में चाइना, जापान, ये कंट्रीज आती हैं जिनको सबसे ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट्स किए गए हैं। और दोस्तों इसको मैं ऑल टाइम हाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हमारे जो ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स थे वो $7.08 बिलियन के थे, जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन ये अब उससे भी ज़्यादा है। और कहा ऐसा आ गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनका टारगेट $8.6 बिलियन के आसपास सेट किया जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब स्टेट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहां पर दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी जो वेलनेस सेंटर्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। और पंजाब गवर्नमेंट की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको ये काम स्टार्ट करने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों एज ऑफ नाउ दिल्ली में जो वेलनेस सेंटर्स हैं उनको डेवलप करने पर काम किया जा रहा है, जो कि स्पेसिफिकली मोहल्ला क्लिनिक एंड जो पॉली क्लिनिक हैं उन्हीं की तरह डेवलप हो रहे हैं। एंड अब इसी सेम लाइन के बेसिस पर पंजाब में भी जो वेलनेस सेंटर्स हैं बनकर तैयार होंगे। और कहा ऐसा गया है कि अर्बन एंड सेमी अर्बन इन एरियाज में वेलनेस सेंटर बनते हुए दिखाई देंगे। और जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको एटलीस्ट 4 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है जहां पर इन वेलनेस सेंटर्स को सेटअप किया जाए, और अगले 2 महीनों के अंदर अंदर ये काम स्टार्ट होगा, ऐसी अनाउंसमेंट भी की गई है। आज की 200 लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हरियाणा स्टेट का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली सोनीपत एंड पानीपत जैसे टाउन्स के आसपास जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बेहतर बनाने के लिए मिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा यहां पर 5 नेशनल हाईवेज लॉन्च कर दी गई हैं, जिनकी ओवरऑल वैल्यू ₹2,871.8 करोड़ बताई गई है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जींद से गुहाना के बीच में एक 2-लेन रोड बनाकर कंप्लीट किया गया है, जो नेशनल हाईवे 352A का पार्ट है, और 132 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किए गए हैं। भिवानी मुंदल जींद के बीच में भी जो कि नेशनल हाईवे 709 पर आता है एक 2-लेन का रोड बनाया गया है, जिसके ऊपर 183 करोड़ 136.25 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 334B पर झज्जर से लोहारू के बीच में 2-लेन का रोड, 1020 करोड़ की लागत से यूपी हरियाणा बॉर्डर से गोहाना के बीच में नेशनल हाईवे 334B पर 4-लेन रोड, दिल्ली के मुबारक चौक से पानीपत तक नेशनल हाईवे 44 पर 1440 करोड़ का एक 8-लेन रोड, ये सभी पानीपत नगर कंप्लीट किए गए हैं, जिनको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।